ट्रेन में सफर तो हम सभी करते हैं, ऐसे में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो तब हो जाती है जब हम ट्रेन में सफर करते हुए भी उसके जो सीट्स के टाइप होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। जब हम टिकट बुक कराते हैं तो हमारे सामने सीट के टाइप्स के काफी ऑप्शंस आते हैं, जैसे फर्स्ट एसी क्लास चाहिए, सेकंड एसी, थर्ड एसी, उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है फर्स्ट क्लास, स्लीपर, सेकंड सीटिंग। तो इन सब में क्या डिफरेंस होता है? मुझे मालूम है कि टिकट कराते वक्त पैसों का अंतर तो होता ही है, लेकिन आखिर फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी इनमें क्या अंतर होता है और इनमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है? इसके बाद आपको जो क्लासेज होती है उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं और इन सब के बारे में जानना चाहते हैं और आप अपने लिए बेस्ट क्लास चुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि जब भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एसी क्लास के बारे में। तो ये सबसे महंगी होती है, यहाँ पे आपको टिकट बुक कराने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और ये सबसे महंगी है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलती है? तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो इस तरह से आपको पतली लाइन यानी कि एक गैलरी देखने को मिलती है, जिसके दोनों साइड में अलग अलग छोटे छोटे आपको कैबिन नजर आते हैं जो लॉक होते हैं। यानी कि आप एक कैबिन में गए, एक कैबिन में दो बर्थ होते हैं, एक में चार होते हैं, आप अपने हिसाब से उसे बुक करवा सकते हैं। आप चार वाले में जाओ या दो वाले में जाओ, जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ का लॉक सिस्टम होता है, पर्दा होता है, आपको रीडिंग लाइट अलग से दी जाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं एक छोटा सा सेपरेट रूम आपको दिया जा सकता है दो जनों को, चार जनों को, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सोने के लिए बिस्तर तक दिया जाता है, तकिया भी मिलता है, उड़ने के लिए चादर भी मिलती है और साथ ही साथ खाने की व्यवस्था भी इसमें होती है। और बाथरूम, टॉयलेट वगैरह ये सब तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वॉश बेसन आपको अपने बर्थ के अंदर अलग देखने को मिलता है, मतलब वॉश बेसन यूज करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा भी होता है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि ये एयर कंडीशनर होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एसी। अब हम बात करते हैं एसी के सेकंड टीयर के बारे में। तो एसी के फर्स्ट जो क्लास होती है उसे थोड़ा सा सस्ता होता है, टिकट बुक कराते वक्त थोड़े से कम पैसे देने पड़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो खाने को लेकर थोड़ी सी सुविधा चेंज है, बाकी जो है सारा का सारा जो माजरा है आपको वही फर्स्ट एसी में देखने को मिलता है, वो सारी की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है, कोई ज़्यादा फर्क इनमें नहीं है। अब हम बात करते हैं एसी के थर्ड टीयर के बारे में। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो सबसे पहले किराए का ही चेंज आ जाता है, मतलब आपको टिकट बुक कराते वक्त थोड़े से कम पैसे देने पड़ेंगे बाकी उन दोनों क्लास से, और उन दोनों क्लास में आपको अलग से एक मैंने जैसे कहा कैबिन मिलता है, उसके ऊपर लॉक लगता है, मतलब आपकी प्राइवेसी का ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें थोड़ी सी भीड़ भी ज़्यादा होती है। भीड़ कहने का मतलब लोग खड़े आपको दिखाई नहीं देंगे, बट हाँ आपको सोने के लिए बर्थ भी मिलेगा उसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों की संख्या हो जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने जैसे कहा कि अलग कैबिन नहीं मिलता है, अलग लॉक नहीं मिलता है, जैसे आप उसके अंदर जाके सो सकते हैं, दरवाजा दे सकते हैं, ऐसी कोई भी नहीं है। यहाँ पे तीन टाइप की सीट होती है, जो लोअर, मिडल और अपर, ये तीनों देखने को मिल जाती है, और तीन भी इस तरफ, तीन भी इस तरफ। तो यहाँ पे आपको छः जनों को एक तरफ शिफ्ट किया जाता है, कोई भी लॉक, कोई भी प्राइवेसी नहीं है, ये बाकी आपको बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास के बारे में, जो कि बिना एसी का है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट क्लास भी लिखा हुआ आता है जिसमें एसी नहीं होती है, बाकी वही सिस्टम होते हैं एसी फर्स्ट क्लास वाले, लेकिन जो एयर कंडीशनर होता है वो इसमें नहीं होता है, और बाकी सब होता है, प्राइवेसी, लॉक, जो मैंने आपको सिस्टम बताया सब होते हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन एसी नहीं होती है, इसीलिए उसे केवल फर्स्ट क्लास कहा जाता है। टिकटिंग प्राइस भी लगभग सेम होती है, लेकिन थोड़ी सी कम होती है एसी फर्स्ट क्लास से, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, बाकी सब चीज़ें सेम होती है। अब हम बात करते हैं एसी चेयर कार के बारे में। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि हर जगह हर ट्रेन में देखने को नहीं मिलती है, कुछ स्पेशल ट्रेन होती है वहीं पे आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बैठने के लिए आपको सीट मिलती है, जो कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको कुछ सिस्टम होता है जो कि एसी चेयर कार के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। एयर कंडीशनर तो होता ही है, बाकी सब कुछ आपको बहुत बाथरूम वगैरह इन सब की तो सुविधाएं मिलती है इसमें, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल सी बात है, लेकिन हर ट्रेन में ये अवेलेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं स्लीपर कोच के बारे में, या फिर आप स्लीपर क्लास भी कह सकते हैं, जो कुछ भी क्लास कहो, कोच कहो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यानी सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला कोच है। जी हाँ, लगभग सभी लोग इसमें टिकट बुक कराते हैं जो लंबी सफ़र के लिए जाते हैं, क्योंकि देखो थोड़े महंगे टिकट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये जो है एक सही दाम में सही सुविधा के रूप में आता है, जहां आपको सोने की सुविधा तो मिल ही जाती है जो कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको तीन तरह की सीट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको एक तो लोअर, एक मिडल, एक अपर, ये तीनों सीट जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, और बाकी सब आप जानते हैं, बाकी सुविधाएं तो नॉर्मली है ये, लेकिन जो वीआईपी ट्रीटमेंट मैंने फर्स्ट एसी सेकंड एसी में बताया वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो नॉर्मल है, सोने के लिए आपको सीट्स मिल जाती है, और बीच वाली जो मिडल होती है आप इसे
डाउन भी कर सकते हैं, मतलब ये एडजस्टमेंट है, दिन के वक्त आप यहाँ पे नीचे करके बैठ भी सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ये 3 जनों, 3 और 3 6 जनों के लिए होता है बुक, हर सीट पे एक जने का बुक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे सस्ता जो कहूंगा क्लास या कोच वही है, और जो ज़्यादातर लोग यूज़ भी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें बैठने के लिए आपको सीट मिल जाती है, और बाकी कुछ भी सुविधाएं नहीं है, ना कि सोने के लिए। केवल और केवल जो लोग छोटी छोटी जगह पे यात्रा करते हैं, मतलब बिटवीन द टू स्टेशंस, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल रहने वाला है, और ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं यहाँ पे। आपको बैठने की सुविधा आपको मिल जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने जो एक्सप्लेन किया है पिक्चर के द्वारा, ये सभी कुछ बातें जो मैंने आपको समझाई है, जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट एसी क्लास, सेकंड और थर्ड, इन सब में क्या डिफरेंट होता है, उसके बाद वो जो, और इन सभी को मैंने एक फोटो के द्वारा समझाया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। किसी से पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को जरूर दबा देना। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। किसी तरह के मन में क्वेश्चन हो तो कॉमेंट करके बता देना। फिलहाल की वीडियो में इतना। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।